नाइन्थ चैप्टर चल रहा है, उसका जो बी पार्ट चल रहा है उसका कुछ लास्ट टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको आया पढ़ने वाले हैं। तो एक पावर ऑफ लेंस होता है, इससे पहले आपने सब चीज़ें देख ली होंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेंस फार्मूला, लेंस फिगर फार्मूला, ये सब कुछ डल चुका है आपने। यदि पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है इसको हम देखने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और यहाँ पर हैं, तो वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे हमारा एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता ही है, वो क्या आता है वो अभी हम देखेंगे। तो इट इज डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ बीम ऑफ लाइट। मतलब कि ये पावर ऑफ लेंस होता है वो क्या होता है, किसी भी लेंस की एबिलिटी होती है कि वो कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है। अब आपको ये तो पता होगा कन्वर्ज कौन करता है और डाइवर्ज कौन करता है, ये तो आपको, अब इतना बड़ा चैप्टर हो गया ये आपको सब पता है। तो जो लेंस की एबिलिटी होती है क्या करने की, कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की। अब आप जिसकी पावर ज़्यादा वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा और ज़्यादा ही डाइवर्ज करेगा। मतलब जिस लेंस की एबिलिटी, जिस लेंस की पावर ज़्यादा वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, और जिस लेंस की पावर कम वो कम डाइवर्ज करेगा और कम ही कन्वर्ज करेगा। तो ये सब का क्या करता है, लेंस की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है और कितना बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। ये होता है हमारा पावर ऑफ लेंस की, उस लेंस की पावर कितनी है। तो क्लियर हो गया होगा पावर ऑफ लेंस क्या होता है। इट इज डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ बीम ऑफ लाइट। मतलब ये किसी लेंस की अपनी पावर होती है, मतलब उसकी एबिलिटी होती है वो कि कितना कन्वर्ज कर सकता है किसी चीज़ को और कितना किसी चीज़ को डाइवर्ज कर सकता है। किसी चीज़ से मतलब क्या है, बीम ऑफ लाइट मतलब कितना उस लाइट को कन्वर्ज कर सकता है और कितना उस लाइट को डाइवर्ज कर सकता है। जिसकी पावर ज़्यादा वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा और ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, जिसकी पावर कम वो कम डाइवर्ज करेगा और कम ही कन्वर्ज करेगा। ये होती है हमारी पावर ऑफ लेंस। अब बात आते हैं इसके फॉर्मूला पे। पावर इज इक्वल टू में 1/f, f मतलब फोकल लेंथ। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पावर इज इक्वल टू में 1/f, ये आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाला है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम चाहें तो एक और ले सकते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। मतलब जो पावर ऑफ लेंस होती है वो इसके इनवर्स होती है फोकल लेंथ के। किसके इनवर्स होती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर 1/f दिया है, तो ये पावर कैसा है फोकल लेंथ के इनवर्स पे। तो इसकी एक डेफिनेशन और चाहें तो आप ले सकते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ये कैसा होता है, हमारी फोकल लेंथ का इनवर्स होता है। तो इसकी आप चाहें तो एक डेफिनेशन और ले सकते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। उसके बाद इस फॉर्मूले पे आते हैं, तो पी इज इक्वल टू में 1/f, और जो f यहाँ पर होता है वो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, इन m, m मतलब कि मीटर। तो फोकल लेंथ होती ना हमेशा वो मीटर में होनी चाहिए, मतलब कि उसको हमको हमेशा मीटर में रखना। अब क्या होगा, कई बार जो फोकल लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर वगैरह इन सब में दी होगी, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई है, एफ इज इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आपको पावर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। तो पी इज इक्वल टू में क्या जाएगा, ऊपर 100 का जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 100 से अपन इंटू किया, और फोकल लेंथ कहाँ आता है, 1/f, तो f नीचे है तो ये 10 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो पावर आ गई अपनी कितनी, 10, और ये कैसी आई, मीटर में आई, क्योंकि अपन ने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट तो कर दिया। और उसके बाद ये कितने में आई, डी में आई। ये डी क्या होता है, ये होती डायोप्टर। ये क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। ये एक नंबर में आता है, ये यदि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो तो आते ही हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो एक तो ये तो आता ही है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। जो लेंस की हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। आपको अभी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, आपको लर्न करना है। उसके बाद जो सेंटीमीटर होती है उसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया। और पावर हमेशा जो फोकल लेंथ होती है हमेशा मीटर में क्यों होती है, और यदि नहीं होती तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये यदि न्यूमेरिकल आएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो ये आपको
क्लियर हो गया होगा, ये आपके समझने के लिए था, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि सेंटीमीटर में दी हो तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो पावर है वो क्या होती है, इसकी डायोप्टर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, इसको डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये जो क्या बातें हम समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट डाल के और चीज़ लिखी हुई है, ये आपको पता है लेकिन इसको एक बार पावर की फॉर्म में और देख लेते हैं। फॉर कन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव एज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। आपको पता है जो कन्वेक्स लेंस होता है, जहाँ पर कन्वेक्स लेंस अपने किया था वहाँ पर आपको बताया भी हुआ, जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप ही सोचिए थी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो जो पावर आएगी वो भी कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। यदि कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है तो इसके तो 1/f इनवर्स है ना, ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर कर रही है इससे, इट इज़ इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। यदि पावर ही जो है फोकल लेंथ वो पॉजिटिव है तो आंसर भी कैसा आएगा, पावर वाला वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यही चीज़ इसमें होती है, यदि कन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर ही फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ही हमारी पॉजिटिव होगी। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, फॉर अ कनकेव लेंस जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है तो पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये आपको याद रखना, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव होती है आपको पता है तो पावर भी कैसी पॉजिटिव आएगी, और कन्वेक्स लेंस में आपको पता है फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है तो वो क्या आती है हमारी, ये पावर नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब क्या है आपको पता है, एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आती है, एक राइट हैंड साइड आती है। जो लेफ्ट हैंड साइड आती हैं उनको हम कैसे लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं, और जो राइट हैंड साइड आती है उनको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये आपको पता हो कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस हमें आप करके हुए आ रहे हैं, तो इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है। जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी फोकल लेंथ आएगी वो कहाँ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, और जो कैसी राइट हैंड साइड आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये आपको पता होगा हमारा जो कनकेव होता है वो कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। तो इसकी फोकल लेंथ कहाँ होती है, इस तरफ होती है, तो ये राइट हैंड साइड होती है, ये कैसी होती जो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड होती, तो ये वाली जो फोकल लेंथ है वो कैसी, नेगेटिव आएगी। और जो कन्वेक्स होता है वो कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। तो इसकी जो फ्रंट कल जो फोकल लेंथ होती है वो कहाँ, इस तरफ आती है, और राइट हैंड साइड है तो ये कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा लेकिन एक बार मैंने और बता दिया। तो क्लियर हो गया आपको पावर लेंस क्या, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस होती है P इज इक्वल टू 1/f मतलब इट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा कैसी मीटर में होनी चाहिए, यदि मीटर में नहीं है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, इसको आपको रट लेना है। और पूरा कन्वेक्स लेंस जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है तो पावर ही पॉजिटिव आएगी, और कनकेव में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है तो पावर भी हमारी कैसी, नेगेटिव आएगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था पावर ऑफ लेंस, समझ में आपको आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट।